तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। ये एक अच्छा सा सवाल है, इसको करते हैं हम लोग। ये बेसिकली थ्योरेटिकल है, बट फिर भी, अगर एक पार्टिकल कर्व पे चलता है अननोन शेप पे, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑलवेज कांस्टेंट, एफ ऑलवेज कांस्टेंट है, बट हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है कर्व के, तो फोर्स कैसा होगा? तो चलो मान लेते हैं एक अननोन कर्व है और इस पे पार्टिकल जाता है, ए से बी तक जाता है मान लो। तो ए से बी तक यहाँ से इस अननोन कर्व पे जाता है, तो जब अपना पार्टिकल जो है वो यहाँ पे रहेगा, इस पोजीशन पे रहेगा पार्टिकल, तो उस पे फोर्स ऐसे लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे ऐसे ही होगा। एक्स मान लो छोटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स वैक्टर भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना? तो दोनों के बीच एंगल, और हमेशा इस पॉइंट पे है पार्टिकल, तो जो फोर्स वेक्टर है वो ऐसे है, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वेक्टर जो डी एक्स है वो भी इधर होगा टेंजेंशियल, ठीक है? तो थीटा हमेशा इनके बीच जीरो रह रहा है, ठीक है ना? ये वाली चीज़। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर वर्क डन निकालता हूँ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का क्या मतलब, वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो स्मॉल अगर तुम देखोगे, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डी एक्स वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो है, तो एफ डी एक्स कॉस जीरो, और कॉस जीरो वन होता है, तो छोटू डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क डन, ठीक ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क डन, तो दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, तो ए से बी तक यहाँ पे मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ए जीरो और वर्क डन, टोटल वर्क डन डब्ल्यू आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ पूरा पाथ ए से बी तक, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू मतलब इस पूरे पाथ को यहाँ से जोड़ दो, इस पूरे पाथ लेंथ को, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, ये जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। तो अगर ये पाथ डिपेंडेंट है, तो जो वर्क डन है वो किस पे कर गया, पाथ पे डिपेंड कर गया, पाथ पे डिपेंड कर गया। और अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर जाता है, तो फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड, अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो कंजर्वेटिव है, पाथ पे डिपेंड कर जाता है तो नॉन कंजर्वेटिव है, लाइक फ्रिक्शन ये सब होगा। तो डी ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।